आर्थिक मोर्चे पर चौतरफा घिरी मोदी सरकार की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही। अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और बेरोजगारी बेलगाम होती जा रही है और अब केंद्र सरकार को आर्थिक मोर्चे पर सितंबर में भी दोहरा झटका लगा है। एक तरफ आठ कोर सेक्टर की उत्पादन दर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है तो वहीं राजकोषीय घाटा भी तेजी से बढ़ा है। मोदी सरकार विकास के ढोल पीट रही है, विकास के लाख दावे कर रही है, मगर ये विकास जमीनी स्तर से नदारद नजर आ रहा है, क्योंकि कई सेक्टर मंदी की चपेट में हैं और उत्पादन दर बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते कंपनियां छटनी करने को मजबूर हैं और बेरोजगारी बेलगाम होती जा रही है, जिसमें जल्द सुधार की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। और अब मोदी सरकार को वित्तीय मोर्चे पर एक बार फिर दोहरा झटका लगा है। जी हां, कोर सेक्टर की उत्पादन दर में 5.2% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा राजकोषीय घाटा पहले 6 महीने में बढ़कर 92% के पार पहुंच गया है। अगस्त में कोर सेक्टर में 0.5% की गिरावट देखने को मिली, सितंबर में ये घटकर 5.2% हो गया। कोयला उत्पादन में 20.5% की गिरावट आई है। पिछले साल कोर सेक्टर में उत्पादन 4.3% था। यहाँ आपको ये बता दें कि कोर सेक्टर कहते किसे हैं। दरअसल कोर सेक्टर में 8 इंडस्ट्री शामिल होती है, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, स्टील, सीमेंट, बिजली, फर्टिलाइजर और रिफाइनरी उत्पाद शामिल होते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP की गणना में इनका योगदान करीब 40.27% रहता है और इन कोर सेक्टर में अब लगातार गिरावट आ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2019 में कोयला में 20.5%, कच्चा तेल में 5.4%, प्राकृतिक गैस में 4.9%, सीमेंट में 2.1%, रिफाइनरी उत्पाद में 6.7%, स्टील में 0.3%, फर्टिलाइजर में 5.4%, बिजली क्षेत्र में 3.7% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मोदी सरकार को दूसरा झटका राजकोषीय घाटा बढ़ने से लगा है। जी हां, राजकोषीय घाटा बढ़कर 92.4% हो गया है। इस साल के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटा GDP का 3.3% रहने की उम्मीद जताई थी। इन 6 महीने में सरकार ने कुल 14.89 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं सरकार को कुल 8.37 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। पिछले 6 महीने में सरकार को टैक्स से कुल 6.07 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। वहीं टैक्स के अलावा सरकार को अन्य मदों से कुल 2.09 लाख करोड़ रुपए की आय हुई थी। ऐसे में अब आर्थिक मंदी से जूझ रही केंद्र सरकार इस दोहरे झटके से कैसे उबर पाती है और कैसे कोर सेक्टर को रफ्तार दे पाती है, ये देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।